कौन है? अरे मेरे स्कूल में पढ़ता था एक आठवीं क्लास में। कब मिला तुम्हें? काफी दिन हो गए। नौकरी लग गई थी, सब कुछ हो गया जब मिला था मुझे। हाँ ब्लॉग आता है, ब्लॉग में होता बात होती है। मैं असली बात तो यह है कि आठवीं क्लास में पढ़ता था जमपुरा भोगल में, तो मेरा जो वो क्लास थी ना आठवीं क्लास में, तो वहाँ पे एक लड़का था वो गैस निकालता था बहुत बहुत मारता था। हाँ तो अच्छा, तो अब वो गैस निकाल के और मुंह को सिर को ना गैस पे टेक लेता ताकि कोई देखे ना मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ, और जब बदबू उठती थी जब सारे देखते थे देख मुंह छुपा रहा देख ले अब, उसकी खास आदत थी वो भाई यूं कर देख रहा डेस्क पे, फिर उसे डांटे रहे सब। तो उसके बाद में ये कुछ दिन के बाद में नौकरी भी लग गई, सब कुछ हो गया। मैं बटला हाउस में मैं थे वो भी जाते थे हम, तो वहाँ पे मैंने देखा व्हील चेयर पे मांगता हुआ। अच्छा। हाँ तो मांगता हुआ उसे, मैंने उसे पहचान लिया, उसकी शक्ल ही अजीब थी। मैं धीरे धीरे गया, मैंने कहा भाई साहब आपका नाम हनीफ है क्या? जरा हाँ यारा आप कौन है? मैंने कहा तू कभी भोगल के स्कूल में पढ़ा? जरा हाँ। मैं फिर समझ गया, मैंने कहा वो एक टीचर का नाम लिया मैंने उसे, मैंने कहा उनके स्कूल में था ना तू? मगर हाँ हाँ वो ही थे। मैंने कहा मैं भी तेरी क्लास में आ, मैंने उसे बताया फिर, मैंने कहा मैं भी तेरी क्लास में था और तू गैस निकाले कर रहा बैठ। तो एक बार तो बेचारा मुस्करा गया, लेकिन अपनी वो भूल गया। फिर मैंने उससे पूछी, कह रहा यदि मेरे दोनों पैर कट गए थे। कैसे कट गए थे? वहीं पे आ गया था वो निजामुद्दीन को क्रॉस करते थे ना, आस पास आस पास वहीं कितने कटते हैं वहाँ पे, स्टेशन पे नहीं जाते थे उसके बराबर में से क्रॉस करते थे। कह रहा मेरे वहीं पे दोनों पैर कट गए थे। तो फिर मैं भाई दुख तो मुझे भी हुआ उसका, लेकिन क्या करें। कब मिला, कितने साल हो गए? मुझे साल के तो मैं नहीं पता, लेकिन सर्विस लग गई थी उसके बाद में मिला मुझे। कभी देखो हो सकता है अब तो बेचारा खत्म भी हो गया हो, क्या पता। क्योंकि मेरे से ही ज्यादा एज थी उस वक्त भी जब पढ़ रहा। और एक वो मेरे स्कूल का स्कूल में टीचर था है, उसी क्लास में आठवीं क्लास में वो टीचर था जाट, पता है मेरे को क्या बोलता था? मेरे से बोलता था हरिया, और डालचंद को बोलता था डालू। डालचंद को बोलता था डालू। तो जब मेरी नौकरी लग गई सब कुछ हो गया, और मैं नेहरू नगर स्कूल में ट्रांसफर हो गया था राजू, नेहरू नगर स्कूल में। तो एक दिन नेहरू नगर स्कूल से एक डाक लेके गया मैं लेटर लेके, कह रहा ये नेहरू नगर वहाँ जंगपुरा के स्कूल में दिया। हम मैं गया, हम मैं दूर से देख रहा, मुझे भी लगता तो वही टीचर है हमारे वाला चौधरी स्वरूप सिंह, मुझे नाम भी मैंने कि लगते तो वही है जो हमारी हमें पढ़ाते थे वो। तो अब मैं जैसे ही गया तो क्लास गेट पे जाके खड़ा हुआ, वो बात कर रहा था, वो टीचर बैठे हुए थे। अब जैसे ही मैं गया मैंने कहा सर, और उसने जो देखा भाई हाँ अरे बहुत बनाता है तो गंदा 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 हम धो दो। तो वो जो है वो मैं जैसे गेट पे घुसा ना, और मैंने उसे सर बोला, मेरे तो टीचर था मैं तो पहचान लिया मैंने, तो चौधरी स्वरूप सिंह ही थे और आज हेडमास्टर के बना बैठा। तो अब मैं गया, अब उसने देखा मेरी तरफ, सर आ जाओ। अब जैसे मैं अंदर घुसा ना जब उसकी कुर्सी के पास, तो पता है बोलने से पहले कुछ नहीं, कहीं तो भी देख रहा नहीं जैसे ऊपर तक मुझे पहचान रहा, और अपने आप ही तुरंत देखो उसके भी ध्यान आ गई। जो कह रहा अरे हरिया, हाँ अरे हरिया, मैंने कहा सर आपको अभी तक मेरा हरिया नाम याद है? कह रहा याद क्यों नहीं है? और देखो फिर तुरंत बोला मेरे से पूछ रहा, कह रहा वो डालू क्या कर रहा है? डालू दिन बेटा फिर ऐसे होती है भले राजू, इतने दिन के बाद उसके नाम याद है मेरा डालचंद का। फिस्टी पकड़ो हरिया डालू कह रहा। हाँ तो मैं गया तो कह रहा अरे हरिया पहचान के,
और फिर तुरंत क्या रहा फिर अरे वो डालू डालू क्या कर रहा है बैठ गई वो तो मजिस्ट्रेट बन गया तो गाड़ी में बैठता है अच्छा मजिस्ट्रेट बन गया तू बन गई जी मैं तो बस यही हूँ देख मैं गृहस्थी में फंस गया उसकी शादी नहीं हुई हाँ सही है बच्चों को क्या खिलाता है अगर पढ़ाई करता तो और क्या चलो भाई चलो सो जाओ आराम से टाइम ऑफ होने का सिस्टी चल सो जा चलो 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 चलो।